गाइस तो अभी हम चलते हैं जावा के शोरूम और देखते हैं पेराक कैसी बाइक है और क्या फीचर्स है, स्पेसिफिकेशंस वही चल के बताएंगे। जस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जस्ट अबाउट टू रीच, फिलहाल तो ट्रैफिक लगा है, यहीं पे हमें जाना है। हेलो गाइस, तो ये है शोरूम। अभी जावा की क्लासिक बहुत यहाँ पर खड़ी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज का जो वीडियो है, जावा की नई बाइक लॉन्च हुई है जावा पेराक, उसके बारे में है। क्योंकि मैं अभी जावा के शोरूम से ही आया हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे वीडियो अलाउ नहीं किया बनाना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलाउ नहीं कर रहे हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया मैंने और जो ऑब्जर्वेशन मेरी खुद की रही, वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो पूरा देखिए वीडियो को, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गाइस प्राइस पॉइंट की बात करूँगा। जो जावा की पेराक है उसका प्राइस पॉइंट मेरी सिग्नल से थोड़ी ज़्यादा है। आई मीन 1.95 लाख उसका एक्स शोरूम प्राइस है जावा पेराक का, और 2,24,000 रुपीज़ की ऑन रोड बाइक आएगी। सीटिंग की अगर मैं बात करूँगा, कंफर्टेबल है बाइक, काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है। जो इसका मोनोशॉकर है जो सीट के नीचे लगा हुआ है, वो काफ़ी कंफर्ट इन्हेंस करता है। 24 नवंबर से आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं इस बाइक का आपके नियरेस्ट जावा के शोरूम। जैसा कि शोरूम वाले ने बताया मुझे, टेस्ट ड्राइव सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में अवेलेबल है। 1 जनवरी से बुकिंग ओपन है, बुकिंग करा सकते हैं जावा पेराक की। और डिलीवरी की अगर मैं बात करूँगा तो काफ़ी वेटिंग है डिलीवरी के लिए, आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। अप्रैल से आपको डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी मिलना, जो पहले बुकिंग कराएंगे उनको पहले डिलीवरी मिलेगी। फर्स्ट ही ABS आ रहा है सभी बाइकों में, जैसे मेरे सिग्नल में भी है, वैसे ही उसमें भी ABS है, डुअल चैनल ABS। तो काफ़ी अच्छा एक ब्रेकिंग सिस्टम है उसका। और दूसरी बात यह है कि लुकिंग काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी थी पेराक पे, तो पहला क्वेश्चन ये था कि अगेन जावा 42 की तरह ही इसके सीटिंग पोस्चर काफ़ी नीचे है। लेकिन ये टिपिकली बॉबर स्टाइल बाइक बनाई है, तो आपने देखा होगा बॉबर स्टाइल बाइक इस तरह की होती हैं कि उनकी सीटिंग जो सीट होती है वो काफ़ी नीचे होती है और हैंडल थोड़ा ऊपर होता है, इस तरह से होते सीटिंग पोस्चर्स होते हैं। तो ये बॉबर स्टाइल ही है। और दूसरा एक क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मुझसे, एक क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं वो ये है कि जो सीटिंग का सिंगल सीट है, बाइक में हम पिलियन सीट लगा सकते हैं या नहीं है, क्योंकि उसमें पिलियन सीट नहीं, कंपनी की तरफ से क्लियर है कि पिलियन सीट नहीं लगा सकते आप, ठीक है। लेकिन हमारे पास करोल बाग मार्केट है, एक्सेसरीज से लेके कुछ भी कस्टमाइज़ करने के लिए आप मार्केट आफ्टर मार्केट आप ये काम करवा सकते हैं, ये क्लियरली है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं। हर बाइक को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे तो स्प्लेंडर जैसी बाइक को हार्ले डेविडसन बना देते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो बाकी बस यही है अपडेट, कंपनी की तरफ से क्लियर इंडिकेशन ये है कि पिलियन सीट नहीं दे रही है कंपनी। तो बाकी दोस्तों, मैं एकदम प्रॉपर रिव्यू का एक चैनल नहीं है, मैं एज अ बाइकर, एज अ बाइक लवर, मैं बाइक देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, जैसा मुझे नज़र आता है वैसा ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अलग अलग हो सकता है कि ये सारा एकदम, मैं ये नहीं कहता हूँ एकदम जेन्युइन रिव्यू है, लेकिन जैसा कि मैं देखता हूँ, जो मेरा नज़रिया रहता है देखने का, कि सब बाइक में काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। प्राइस पॉइंट थोड़ा सा हाई, लेकिन जिस सेगमेंट की बाइक है उसके हिसाब से प्राइस पॉइंट भी काफ़ी जस्टिफाई करती है। ये कुछ अपडेट्स हैं जो मैं कलेक्ट करके आया हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि जावा वाले मुझे प्रोवाइड करें एक टेस्ट ड्राइव, उसका मैं आपको शॉर्ट दिखा सकूँ, उसकी वीडियोज़ में डिटेल दिखा सकूँ, बना सकूँ। आगे मैं कॉन्टेक्ट करूँगा जो जावा की पेराक बुक करा रहे हैं, उनसे भी मैं रिव्यू लेने की कोशिश करूँगा। और अप्रैल में जब डिलीवरी हो जाएंगी बाइक्स की, तो मैं ट्राई करूँगा कि किसी की ऑनर्स के साथ बात की जाए, उनके राइडिंग एक्सपीरियंस कैसे लगे। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये छोटा सा अपडेट था जावा पेराक के बारे में मेरा। अगर कुछ
लगे कि छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यूट्यूब की दुनिया वालों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में।